नमस्कार, मैं हूं कोमल तिवारी और आप देख रहे हैं एनबीसी भारत। आज राज्यसभा में बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई जिसने सभी को हैरान कर दिया। दरअसल कांग्रेस पार्टी के बेंच के नीचे से नोटों की गड्डी बरामद हुई। देखते ही देखते ये मामला हंगामे का कारण बन गया। राज्यसभा की कार्यवाही थोड़ी देर के लिए स्थगित कर दी गई क्योंकि विपक्षी और सत्ता पक्ष दोनों ही इस पर जोरदार प्रतिक्रिया देने लगे। जानिए कैसे कांग्रेस पार्टी की बेंच के नीचे से नोटों की गड्डी मिली और क्या है पूरा मामला। राज्यसभा में कांग्रेस की बेंच के नीचे से नोटों की एक गड्डी मिलने के बाद से संसद में हंगामा शुरू हो गया। इस पर संसद के सभापति बोले, ये गंभीर मामला है और सांसदों ने भी इस मुद्दे पर तुरंत सवाल उठाए। साथ ही आरोप लगाया कि क्या यह कुछ गड़बड़ी का संकेत है। इस घटनाक्रम ने पूरे संसद भवन में हलचल मचा दी है। बता दें, सभापति ने कहा है कि ऐसी घटनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और इसकी सख्त छानबीन होगी। दरअसल शुक्रवार यानी आज सभापति जगदीप धनखड़ ने जानकारी दी कि सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद सुरक्षा अधिकारियों ने हमें जानकारी दी कि सीट नंबर 222 से कैश मिला है। यह सीट तेलंगाना से सांसद अभिषेक मनु सिंघवी को अलर्ट की गई थी। इस पर विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, जब तक मामले की जाँच चल रही है और सब कुछ स्पष्ट नहीं हो जाता तब तक सभापति को अभिषेक मनु सिंघवी का नाम नहीं बोलना था। खड़गे के इस बयान पर सत्ता पक्ष के सांसदों ने जमकर हंगामा किया। हालांकि इसके बाद इस मामले पर अभिषेक मनु सिंघवी ने भी कहा, पहली बार ऐसा सुनने में आया है, जब भी मैं राज्यसभा जाता हूं तब एक 500 रुपए का नोट साथ लेकर जाता हूं। कल दोपहर 12:57 पर घर के अंदर पहुंचा और 1 बजे सदन चालू हुआ। फिर मैं 1:30 पर कैंटीन में था, संसद अयोध्या राम रेड्डी के साथ। बता दें, फिलहाल संसद में हंगामा जारी है और जांच की जा रही है। लेकिन राज्यसभा की कार्यवाही फिर से शुरू होने के बाद इस घटना ने सभी को चौंका दिया है। हालांकि राजनीतिक गलियारों में इस मुद्दे को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि ये नोटों की गड्डी वहां कैसे पहुंची? क्या ये गलतफहमी थी या कोई और बड़ा खेल चल रहा था? तो इस मामले में अब तक की जानकारी से ये साफ नहीं हो सका है कि नोटों की गड्डी वहां कैसे पहुंची, लेकिन इसकी जांच की जा रही है। फिलहाल एनबीसी भारत के साथ बने रहे क्योंकि इस मुद्दे पर आने वाले समय में और भी अपडेट्स आ सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।